जयपुर के जवाहर कला केंद्र पर चल रहे लोक संस्कृति महोत्सव लोकरंग का आज आखिरी दिन है। इससे पहले कल सांस्कृतिक संध्या के दौरान विभिन्न राज्यों से आए हुए कलाकारों ने वाद्य यंत्रों की प्रस्तुति दी, वहीं दीपमाला के विविध कार्यक्रमों को दर्शाया गया। कार्यक्रम के कलाकारों ने कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी पेश की। लोकरंग एक बहुरंगी कार्यक्रम है जिसमें पूरे भारत भर के लोक कलाकार अपनी संस्कृतियों के साथ में, अपनी वेशभूषाओं के साथ, अपने लोक नृत्यों के साथ में और लोक संगीत के साथ में इस मंच पर आते हैं। 11 दिन तक चलने वाला ये उत्सव जयपुर के लोगों के लिए एक तरह का ज्ञान का सोर्स भी बन जाता है कि वो ऐसी ऐसी चीज़ें देख पाते हैं जो आमतौर पर वो देख नहीं सकते। मेरे खुद के लिए भी एक बड़ा अनूठा अनुभव है कि मैंने बहुत कुछ सीखा है इस कार्यक्रम से जुड़ करके। नए नए कलाकारों से मिलना, उनकी कला शैलियों के बारे में जानना, उनकी भाषा के बारे में जानना, उनके नमस्कार करने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं, तो ये सब जानने में बड़ा आनंद आता है और लगता है कि भाई हाँ, हमारे देश में कितनी विविधता है लेकिन कहीं ना कहीं वो जा करके एक सूत्र से जुड़ते भी हैं। हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं परफॉर्मेंस करने के लिए, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे आके। और कल भी हमने परफॉर्मेंस किया था और नेक्स्ट डे भी हमारा वापस एक परफॉर्मेंस है, तो हम यहाँ पे 3 दिन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और हमने वैसे पूरे इंडिया में हर जगह हर स्टेट में ऐसे परफॉर्मेंस किया है, यहाँ पे भी हम फर्स्ट टाइम आए हैं, लेकिन हमें बहुत आनंद और बहुत ही खुशी हो रही है यहाँ से पे। यहाँ पे हर राज्य के अलग अलग लोक नृत्य होते हैं, सबकी अलग अलग वेशभूषा होती है, जो सब एक जगह होता है वो अपन को देखने को मिलता है कि सब लोग में मतलब विभिन्नता में कितनी एकता है, वो सब अपन को देखने को यहाँ पे मिलता है। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, सबका अलग अलग इतना सुंदर डांस देखने को, नृत्य देखने को मिलता है, वो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ अलग अलग राज्य के लोग आते हैं, अपने अपने वेशभूषा में लोक नृत्य करते हैं और हमें ये बहुत ही अच्छा लगता है। और ये 26वां लोक नृत्य है यहाँ का, हम रोज आते हैं देखते हैं, बट बहुत अच्छा लगता है। यहाँ विभिन्नता में एकता है, अलग अलग वेशभूषा में भी सब प्रेम से रहते हैं और देखते हैं कि लोग कितना प्रेम करते हैं एक दूसरे से।